Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutopedia. In this video, we are going to discuss about Rajasthan Vidya Sambhal Yojana 2022. जो भी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन सेक्टर से या डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो इस योजना के बारे में बखूबी जानते होंगे कि ये योजना कितनी इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मैं लेके आई हूँ ये योजना के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकती थी. और ये योजना के बारे में मैं आज ही वीडियो क्यों लेके आई, ये आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या गिवन है. तो राजस्थान विद्या संभल योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संभल योजना राजस्थान में आरंभ करने की घोषणा जो है बजट 2021-22 के दौरान की गई. इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूर्ण करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है. इस योजना के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में समय से पाठ्यक्रम पूरा हो सकेगा. तो इसका मेन उद्देश्य यही है. और बेरोजगार जो अभ्यर्थी है वो भी रोजगार प्राप्त होगा. तो ये बहुत ही अच्छी एक योजना आई है. ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो मानदेय होता है, कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी सैलरी जरूर देखता है. तो ये आपके सामने है. जो भी अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए अप्लाई करेगा, जिसमें हम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाते हैं, उसमें प्रति घंटा मानदेय जो होगा वो 300 रुपए है और अधिकतम 21,000 रुपए. वरिष्ठ अध्यापक जो कि 9th और 10th क्लास को पढ़ाते हैं, उनका प्रति घंटा मानदेय है 350 रुपए, या फिर अधिकतम जो है माहवार मानदेय क्या है 25,000 रुपए. आप देख सकते हैं प्राध्यापक 11वीं और 12वीं को पढ़ाने कक्षा को पढ़ाने वाले, उनके लिए है प्रति घंटा मानदेय 400 रुपए और अधिकतम 30,000 रुपए. PTI प्रयोगशाला सहायक दोनों की ही 300 रुपए है और 21,000 मानदेय है. ठीक है, अब इसके और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आराम से शांति से सुनिएगा. तो योजना के माध्यम से ऐसे पद जिन पर साक्षरता की प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई हो लेकिन फिर भी पदों की पूर्ति नहीं हुई हो, तो उन्हीं रिक्त स्थानों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षक की भर्ती की जाएगी. दूसरी चीज ये कि इस योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन सिर्फ निजी अभ्यर्थी ही कर सकते हैं. जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. कि कोई अगर ऑलरेडी जूनियर अकाउंटेंट है राजस्थान सरकार के अंदर और वो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, वो चीज नहीं. इसके अंदर केवल जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं या फिर रिटायर्ड शिक्षक जो ऑलरेडी रिटायर्ड है वो कर सकते हैं. अब अगर रिटायर्ड शिक्षकों की बात करते हैं, अध्यापकों की बात करते हैं, तो रिटायरमेंट के वक्त जिस पद पर कार्यरत थे ना, उनको उसी पद हेतु ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन करना होगा. रिटायर अध्यापकों के लिए इस योजना के अंतर्गत RSCIT परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त शिक्षक लेवल 1 और 2 के लिए नहीं की गई है. मतलब RSCIT नहीं है तो भी चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो. और सिर्फ मतलब अगर आप मैक्सिमम लिमिट पूछो कि भाई ऐसे तो कोई भी रिटायर्ड कर लेगा, ऐसे तो कोई भी एज लिमिट थोड़ी ना होती है. तो एज लिमिट रखी गई है कि 65 साल की उम्र तक के ही रिटायर अध्यापक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकते हैं, उसके पश्चात नहीं. इसके अतिरिक्त अगर किसी भी खाली पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में वरीयता सूची मतलब मेरिट जो होती है तैयारी की जाएगी और अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी. अब देखो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते, कमेटी बनाई जाएगी जिस स्कूल के अंदर या जिस संस्थान के अंदर पद खाली होंगे, वो लोग अपनी एक कमेटी बनाएंगे जिसमें सबसे बड़ा जो है वो भी बैठेंगे, जो भी सबसे बड़े डायरेक्टर है या फिर प्रिंसिपल है, जो भी होते हैं डीन है, वो बैठेंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी. जब आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाती है, कैंडिडेट चूज कर लिए जाते हैं, तो उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7 डेज के अंदर अंदर अपनी सहमति प्रदान करनी पड़ेगी कि हाँ हम जॉब करेंगे, तथा शिक्षण संस्थान की ओर से तय किए गए समय पर उन्हें कार्य करना होगा. अगर आप BEd पास हैं तो आप केवल लेवल 2 के लिए पात्र हैं, अगर आप BSTC पास हैं तो लेवल 1 के लिए पास हैं.
समझ में आ गया। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ, वो ये है कि इसके अंतर्गत अब आप देख सकते हैं इसमें डेट 18/7/2022, ठीक है। मैं इसको मिटा नहीं सकती हूँ क्योंकि जैसे मिटाऊंगी ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इसमें डेट जो लिखी हुई थी वो लिखी, ये ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है इसमें, तो ये है इसमें डेट, ठीक है, जो कि कल की ही है। ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं इसका विषय क्या है। विद्या समल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक को एवं निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप पद में के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बता दिया कि किस किस पद के लिए खाली है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसका ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, ठीक है। अगर आप व्याख्याता की बात करते हैं, जीव विज्ञान, आई थिंक इसको जूलॉजी बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको बीएड होना अनिवार्य है और आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन जो भी आपको शैक्षणिक जो भी दे रखे हैं यहाँ पे वो आपको पढ़ना है। व्याख्याता के लिए भौतिक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड गणित के लिए मतलब मैथ्स के लिए, उसमें भी आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड के साथ। उसके बाद आगे देख लेते हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, आप ध्यान से देखिएगा। वरिष्ठ अध्यापक और वो भी किसमें, इंग्लिश हिंदी मैथ्स और थर्ड लैंग्वेज के अंदर, इसमें आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और बीएड होना ज़रूरी है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान मतलब साइंस के अंदर ग्रेजुएशन और बीएड, ऐसी वरिष्ठ अध्यापक जो सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस के अंदर आपको चाहिए ग्रेजुएशन और बीएड। इंग्लिश और अगर अध्यापक लेवल 2 की बात कर रहे हो, इंग्लिश और मैथ्स के लिए है जिसमें आपको 50% से अधिक अंक चाहिए और आप स्नातक होने चाहिए मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए और बीएड या फिर और तथा ये ध्यान में रखना है कि न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण जिसका जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हो गई हो, मतलब आपके पास जो रीट के जो सर्टिफिकेट अगर आपने पास कर लिया है उसकी वैधता होनी चाहिए। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो 50%, उसमें भी आप देख सकते हैं डीलेट शायद से। शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो भी आपके पास यहाँ पे चीज़ जो करते होंगे ये उनको समझ में आ जाएगा, और प्रयोगशाला सहायक। अब जो सेवानिवृत्त जो मैंने आपको समझाया था वही इन पॉइंट्स के अंदर आपको समझाया गया है, तो आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको मैंने पढ़ लिया, जो मैंने आपको लिखवाया है वही आपके लिए गिवेन है इसके अंदर। बाकी कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए। मैंने आपको इसकी जो पे स्केल है वो मैंने अच्छे से आपको बता दी है। तो ये एक जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। थैंक यू।